मबोरा पुलिस व एसओजी टीम की 50,000 रुपए के इनामी बदमाश के साथ हुई मुठभेड़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के आदेश के अनुपालन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मथुरा व क्षेत्राधिकारी गोवर्धन मथुरा के निर्देशन में थानाध्यक्ष थाना मगोर्रा के नेतृत्व में थाना मगोर्रा पुलिस व एसओजी टीम द्वारा मंगलवार को मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान सोप कुम्हे रोड कुम्हे बॉर्डर राजस्थान पर एक शातिर अंतर्राज्यीय अवांछित डकैत चोर हिस्ट्रीशीट बदमाश से पुलिस मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त के दोनों पैर में गोली लगने से हुआ घायल किया गिरफ्तार। कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस 315 बोर, 2 खोखा कारतूस 315 बोर, 1 चोरी की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई। घायल बदमाश को जिला अस्पताल उपचार हेतु भेजा गया है। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। आज मगोरा पुलिस और एसओजी की टीम को ये सूचना मिली थी कि 50,000 रुपये का इनामी हरी सिंह, जो कि जिला दौसा का रहने वाला है और यहाँ से जनपद मथुरा से थाना राया से ट्रैक्टर चोरी की वारदात में वांछित है, अपने कुछ साथियों के साथ मगोरा राजस्थान से मगोरा की तरफ आने वाला है। इस सूचना पर यहाँ पर बॉर्डर पर पुलिस की टीम के द्वारा चेकिंग आरम्भ करी गई। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आता हुआ भी दिखाई दिया, जब पुलिस टीम के द्वारा उनको रुकने का इशारा किया गया तो उसके द्वारा मोटरसाइकिल रोक करके पुलिस टीम पर फायर की गई। पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग करी गई जिसमें उसके दोनों पैरों में गोली लगी है। इसका जो है जब पूछताछ पर इसने बताया कि ये कई यहाँ पर ट्रैक्टर चोरी की वारदात में शामिल रहा है। इसके ऊपर जनपद मथुरा से आधा दर्जन मुकदमे तथा अन्य राज्य राजस्थान से लगभग 28 मुकदमे हैं। घायल बदमाश को नज़दीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मौके से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, एक तमंचा तथा भारी मात्रा में गोलियां बरामद हुई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।